हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिवाली के बाद की पहली सुबह, उफ बहुत सारे काम फटाफट होते काम हैं निपटाते हैं और उसके बाद लगते हैं पैकिंग में, क्योंकि हमें कल सुबह निकलना है और अभी तक मेरी कोई भी पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई है। सो घर के काम निपटा के मैं पैकिंग में लगती हूँ। सबसे पहले मैंने घर के जितने भी पेंडिंग काम थे वो किए। तो सारे काम निपटाने के बाद मैं ये लेके बैठ चुकी हूँ पैकिंग करने को। मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी सब चीजों में से रहती हूँ कि मैं क्या ले जाऊँ, क्या नहीं ले जाऊँ, क्या छोड़ के जाऊँ। और ये रहे वो बॉक्सेस जो कल दिवाली पे गिफ्ट कराया जिसने मुझे, और ये रहे मेरे इयररिंग वाले बॉक्सेस, और ये रहे मेरे नेल पेंट वाले बॉक्स, और ये रहे मेरे मेकअप वाले थोड़े से बॉक्स। तो मैं इन सब में से थोड़ा थोड़ा ही ले जाऊंगी, क्योंकि छठ पूजा भी है, शादी भी है, जिससे मुझे ले जानी पड़ी उतनी क्वान्टिटी में कि मेरा पूरा जो ओकेजन है वो निकल। शुरू करते हैं पैकिंग अब अपना, और देखते हैं कि क्या क्या ले जाएंगे। जो भी मुझे ज़रूरत था छठ पूजा में और शादी में जो यूज़ करना था वो मैंने पैक कर लिया। सारे पाउचेस में बैंगल्स वगैरह भी मैंने पैक कर लिया है। सारे मेकअप और एसेसरीज़ को मैंने छोटे वाले ट्रॉली में फ़िट करा, और जो भी कपड़े थे मैंने वो बड़े वाले ट्रॉली में फ़िट करा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैकिंग थी ये गौ माता की। ये मैं मम्मी के लिए ले जा रही हूँ। जीत ने उसको पेपर में अच्छे से रैपिंग करा क्योंकि वो रास्ते में ब्रोक ना हो जाए। हमारे पास लगेज ज़्यादा थे, इस वजह से हमने वो छोटे ट्रॉली को हटा के बड़े ट्रॉली में सारा सामान शिफ्ट करा। अब बारी आती है जीत के पैकिंग की, सो मैंने उनके पैकिंग में हेल्प की। उसके बाद हम थोड़े ब्रेक लेके हमने पार्टी की पिज्ज़ा की। सो जीत और अक्षु दोनों गए थे पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स लाने, और ये लेकर आते हुए हेलो दोस्तों, देखो तो ये है भाभी हमारी, ये जा रही है कल अपने घर, इसकी जाने की खुशी में हमने मंगवाए पिज्जे हैं, साथ में है कोल्ड ड्रिंक। जोक्स अपार्ट, अक्षु ने कमेंट तो किया कि भाभी की जाने की खुशी में पिज्जा पार्टी हो रही है, बट सबसे ज्यादा मिस वही करने वाले हैं हमें। फिर हम सब ने पिज्जा खाया और उसके बाद कल के जो बड़े हुए पटाखे थे वो हमने जलाए धूम धड़ाका से अपने सारे पड़ोसियों के साथ। आज भी हमने दिवाली सेलिब्रेट किया। अक्षु आप क्या कर रहे हो जीते? खुश हो गया? और ये है जितेश, हमारे पड़ोस का सबसे प्यारा बच्चा। इसने भी हमारे साथ आज दिवाली मनाई। मम्मी नहीं टले जला हुआ है बदल गए थे। ओ माय गॉड, उसमें बॉम्ब भी था। Thank you.
आज भी हमारे गली में हमने खूब सारी आतिशबाजियां की, उसके बाद जो बची खुशी पैकिंग थी हमने वो करा और ये हमारी हो गई पैकिंग कंप्लीट। सो रात को बज रहे हैं 12 और हमारी पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट और सुबह ट्रेन है हमारे पास बस 4 घंटे हैं सोने को। सो टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।